नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि जो शोर मचाते हैं भीड़ में वो भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में सफलता जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। ऐसे ही खामोशी से जिसने काम किया वो आज बेटा हमारे साथ में, वो लाल हमारे साथ में। आज हम आपको रूबरू करवाएंगे कि आखिर दिशा स्कूल कैसे हर बार हमेशा टॉप कर जाता है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आखिर वहाँ ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जिसकी वजह से हर बार राजस्थान टॉप कर जाता है और हर बार जिला तो टॉप करता ही करता है। तो दिशा स्कूल की इसी कहानी को लेके आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। मेरे साथ में बंटी श्राधना है जिसने अभी 12th में 97.40 के साथ में एक अच्छा स्कोर प्राप्त किया है, और हम बंटी श्राधना से बातचीत करेंगे, इसके पीछे की सफलता की कहानी जानेंगे कि आखिर कैसे ये इस मुकाम तक पहुँच जाते हैं। मेरा सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 12th में टॉप किया। थैंक यू सर। बंटी, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पापा क्या करते हैं, और आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो उसके बारे में थोड़ा सा आप मेरे को बताएं। मैं छोटे से गाँव निमो से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा ट्रक ड्राइवर है। मैं ऑक्सफोर्ड स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, जिसमें मैंने 10th में 86% हासिल की। 12th में हमें इन्वायरमेंट ऐसा मिला कि हमें मेहनत करने को किया कि क्लास में टॉप आना तो ज़्यादा कठिन मेहनत करो। अच्छा बंटी, 97.40 के साथ में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो इसके पीछे की सफलता की कहानी क्या है, मतलब कैसे इसमें दिशा स्कूल ने आपका सहयोग किया और क्या माहौल रहा, इसके पीछे की थोड़ी कहानी मेरे को बताइए। दिशा स्कूल के टीचर हमें बच्चों को बहुत सहयोग करते हैं तथा समय समय पर उन्हें प्रेरणा देते हैं। उन्हें क्लास का माहौल ऐसा क्रिएट होता है कि बच्चों को टॉप करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण एक अच्छा स्कोप लाने के लिए बच्चा मजबूर होता है या तथा। अच्छा, दिशा स्कूल में कितने साल से पढ़ रहे हैं आप? दो सालों से आप पढ़ रहे हैं, यानी 11th और 12th आपने दोनों वहीं से की है। यस सर। अच्छा, तो बेटा 10th में आपके कितने परसेंटेज आए? 86 और 86 से सीधा आपने 97 मतलब छलांग लगा ली। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे ये बच्चे जो है ना, ये केवल बोर्ड में टॉप नहीं करते हैं, ये जहाँ भी जाते हैं हर जगह टॉप करते हैं। बंटी से मैं पूछना चाहूँगा, बंटी अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हो? अभी मैं जेई की तैयारी मैट्रिक से कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, जिसमें मेरे दोस्त जयपाल की फर्स्ट रैंक आई है अभी लेटेस्ट टेस्ट में, और मेरी अंडर 50 रैंक आती है 800-900 बच्चों में से। यानी 800-900 बच्चों में से आपकी कौन सी रैंक आती है? अंडर 50। अच्छा, जहाँ तक मेरा नॉलेज है आपके साथ में आपका एक फ्रेंड भी है जिसने भी टॉप किया है। हाँ। कितने परसेंटेज आए? क्या नाम बताया, क्या नाम उसका? जयपाल सिंह। जयपाल, बिल्कुल। तो जयपाल के कितने परसेंटेज आए 12th में? जयपाल के 12th में परसेंट 97.8 आए हैं। ओके, और अभी वो आप दोनों एक साथ में स्टडी कर रहे हैं, जिसमें उसके अभी लेटेस्ट टेस्ट में उसकी फर्स्ट रैंक आई है पूरे मैट्रिक्स में। यानी कि अभी जहाँ पे वो कोचिंग कर रहा है वहाँ पे उसका फर्स्ट रैंक हुई। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात है कि ये बच्चे जो है ना, ये ग्रामीण परिवेश से निकल के और इतने मेहनत करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं ये अपना जो रिजल्ट है वो हमेशा बेस्ट ही देते हैं। तो बेटा, आपका सपना क्या है आगे? मैं जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके IIT करना चाहूँगा, तथा अगर हो सका तो मैं UPSC भी क्लियर करना चाहूँगा। ओके, यानी आपका UPSC और IIT दोनों की तरफ आपका रुझान है। ओके, अच्छा, तो हम बेटा बात कर रहे थे जैसे जो दिशा स्कूल है उसकी टेस्ट सीरीज की बात कर रहे थे कि कैसे, मतलब तैयारी का क्या पैटर्न रहता है कि इतने परसेंटेज जो है हाईएस्ट, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है नीम का तना ही नहीं बल्कि राजस्थान टॉपर भी वहाँ से निकलते हैं, तो ये जो पैटर्न है वो क्या, यानी कैसे इतने हर बच्चा टॉप कर जाता है? सर, जैसे हमारे हर मंडे को यूनिट टेस्ट रहते हैं, तथा हर बच्चों को जैसे हर वीक में यूनिट टेस्ट के कारण कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी पड़ती है, जो ब्रेक नहीं मिलता, जिससे पढ़ाई में बच्चा ऐसे नहीं सोचता कि मैं रेस्ट ले लूँ। फिलहाल में हमारे प्री बोर्ड के पेपर इस प्रकार NCERT से छोटी छोटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जो बोर्ड में एज इट इज आ जाते हैं, और बच्चों को कहीं भी ऐसा स्कूल में माहौल मिलता है जिससे एग्जाम में सिर्फ स्ट्रेस नहीं होता। और जैसे हमारा पेपर आता है तो हम लगभग मिले जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन मिलते हैं, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती पेपर को अटेम्प्ट करने में। अच्छा, प्री बोर्ड्स वगैरह एग्जाम से पहले कितने हो जाते हैं? हमारे 3 प्री बोर्ड होते हैं। 3 प्री बोर्ड होते हैं, और जो टेस्ट होते हैं वो भी काफ़ी सारे हो? हाँ, मतलब हमारे वीक टू वीक टेस्ट होते हैं। तो ओके, तो आपको मतलब प्री बोर्ड्स का काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलता है एग्जाम के अंदर? यस सर। ओके, अच्छा बेटा, मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या, पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। ट्रक ड्राइवर। अच्छा, पापा का सपना क्या है, क्या आपको क्या बनना देखना चाहते हो? पापा का सपना है कि मैं एक कामयाब इंसान बनूं। ओके, ठीक है। आपके जो परसेंटेज आपने 97.40 स्कोर किया है, तो इसमें मतलब आपके टीचर्स का कितना क्या सहयोग रहा? टीचर्स का इसमें बहुत ही सहयोग रहा। टीचर्स बच्चों को समय समय पर मोटिवेट करते हैं, तथा अलग अलग बच्चे से अलग अलग उसकी समस्याएँ पूछते हैं,
तथा अगर बच्चे को क्लास के बाहर भी डाउट है तो उन्हें रुककर अलग से आधी घंटा या एक घंटे में उनके डाउट क्लियर करते हैं। अच्छा, जब आपने दिशा स्कूल में एडमिशन लिया था तो आपने एक टारगेट डिसाइड किया होगा, तो क्या टारगेट था आपका कि मैं कितने परसेंटेज लेके आऊँ और फिर उसको बढ़ा वहाँ यहाँ दिशा में आगे बढ़ा या वो स्कोर कम हुआ? मैं 12th दिशा में ये सोच के आया था कि मेरे 90 या 97 परसेंटेज 95 के बीच में अंडर आ जाए। okay. पर जब यहाँ का माहौल देखा तो यहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा था कि अनुशासन और अनुशासनहीनता तो यहाँ पर दूर दूर तक नहीं थी। क्लास में माहौल ऐसा था कि बिल्कुल पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी बच्चा जैसे अनुशासनहीनता करता तो टीचर उन्हें पनिश भी कर देते। okay. जिसके कारण फिर जैसे जैसे टेस्ट हुए हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ती गई, हमारा स्कोप करने की इच्छाएं ज़्यादा होती गई। जब हमें पता चला कि हमारे पिछले साल 98.60 से किस मोनिका ढिला ने राजस्थान में 3rd रैंक हासिल की, तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम कुछ हासिल करें। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। जब आपने मतलब एडमिशन लिया तो आपका 95 तक ही एक इसको टारगेट था कि 95 तक अपने आ जाएंगे, लेकिन आपने 97.40 के साथ एक अच्छा स्कोर किया है। अच्छा बंटी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे 10th के बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है कि सब्जेक्ट क्या चूज करें, तो आपने साइंस चूज किया, तो इसके पीछे की जर्नी क्या रही आपकी? 10th में मेरे मैथ साइंस में अच्छा स्कोप था, जैसा मैं मैथ की तरफ ज़्यादा रुझान था तो मैंने इसके लिए मैथ चूज की। पर जब मैं 11th में आया और जैसे सिलेबस शुरू आता हूँ, मैं स्टार्टिंग केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ी समस्याएं क्रिएट होने लगी, जिससे फिर ऐसा लगा कि साइंस लेकर तो हमने बहुत बड़ी गलती की। फिर जैसे रवि सर हमें समय समय पर मोटिवेट करते थे तो उन्होंने बताया कि शुरुआत शुरुआत में लगता है, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हारा ऑटोमेटिक साइंस से कनेक्शन हो जाएगा, तुम्हें इतनी समस्याएं नहीं आ जाएंगी। हमें मोटिवेट करते रहे कि साइंस में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, जिससे हमारे साइंस के प्रति लगाव अलग हो गए। यानी कि डायरेक्टर सर का बहुत बड़ा रोल रहा है आपके मतलब इस पूरी जर्नी में। यस सर, जहाँ तक मैं मान सकता हूँ। यस सर। ओके, तो ये था हमारे साथ में बेटा बंटी सिराधना, जिसने अभी 97.40 के साथ में बहुत अच्छा स्कोर किया है और दिशा ही नहीं पूरे नीमका थाना का नाम रोशन किया है। हम उम्मीद करते हैं और हमारा पूरा आशीर्वाद बेटे के साथ में है कि अपने सपनों को बहुत जल्द पूरा करे। पूरा दिशा परिवार जो है वो हमेशा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है और हमेशा उसके लिए पूरे जी जान के साथ में मेहनत करता है, और यही कारण है कि केवल और केवल 11th-12th का बैच होने के बावजूद भी हमारे पास में आज बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है यहाँ आके स्टडी करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं, और ना केवल अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपने माँ बाप के हर एक उस सपने को वो पूरा करते हैं। और यही हमारी उम्मीद और हमारा आशीर्वाद बच्चों के साथ में कि वो हर अपने सपने को पूरा करें। और अगर आप भी 10th पास कर चुके हैं और अगर आपको लगता है कि अगर आप साइंस और मैथ तक या कॉमर्स सब्जेक्ट अगर आप चूज करना चाह रहे हैं और एक बेस्ट स्कूल की अगर आप तलाश कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार दिशा स्कूल में आके देखें, आपको बहुत कुछ अलग लगेगा। यानी आपके जो डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कुछ इसी टाइप का क्रिएट किया गया है कि आपको जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होते हैं और आपके जो सपना है कि 90% लेके आना 95 लेके आना, तो वो यहाँ आके आपका ईजी वे में हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में 11th-12th क्लास है जिसमें हम पूरा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट और जो मेहनत है वो एक प्रॉपर तरीके से चलती है। हम उम्मीद करते हैं बंटी सिराधना के जो बातें हैं वो आपको अच्छी लगी होगी और उम्मीद करते हैं कि आप अगर एक बार एडमिशन लेना चाहें तो अवश्य एक बार दिशा स्कूल का विजिट कीजिए। नमस्कार।